डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ट्वेल्थ, वेलकम इन एसएनएस मैथ्स क्लास। आइए हम लोग मैथ्स लर्न करना स्टार्ट करें एक बार दोबारा। मतलब ये सेकंड वीडियो भाई, पहली वीडियो में भी तो लर्न ही किया था मैथ्स हमने। और वैसे भी ये चैनल मैथ्स को डेडिकेटेड है, हम लोग सिर्फ मैथ्स की वीडियो अपलोड करते हैं। तो क्या करेंगे इस चैनल पर, मैथ्स ही लर्न करेंगे ना। ओके, सो वंस अगेन वेलकम इन एसएनएस मैथ्स क्लास। और आज एक बार फिर मिसलिनियस एक्सरसाइज, जिसका फर्स्ट वीडियो में हमने जब अपने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था, उस फर्स्ट वीडियो में हमने क्या किया था कि मैट्रिसेस टॉपिक की जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अगर आपको याद होगा तो हमने मैथमेटिकल इंडक्शन बेस 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 12। सो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग उसका पार्ट 2 सॉल्व करने जा रहे हैं, यानी हम अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन मिसलिनियस के लेंगे। और थर्ड वीडियो में हमारी कंक्लूडिंग वीडियो होगी मिसलिनियस एक्सरसाइज की। अभी हम लोगों ने क्या किया है कि एनसीईआरटी, क्योंकि मैंने जैसा पहले वीडियो में बताया था कि कहीं ना एनसीईआरटी की मिसलिनियस एक्सरसाइज बेटर एक्सरसाइजेज हैं, उसमें अच्छे क्वेश्चन, लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं। मतलब जब उसमें 10, 12, 15 जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, उन क्वेश्चनों को आप करेंगे तो उन क्वेश्चन में वैरायटी बहुत है, और वो आपको एक पूरे एक्सरसाइज का एक अच्छा, मतलब पूरे टॉपिक का एक अच्छा एक क्लियर आइडिया भी देता है। सो हम लोग एक सीरीज स्टार्टअप कर रहे हैं कि जिसमें हम जितनी भी मिसलिनियस एक्सरसाइज हैं एनसीईआरटी की, उसके सॉल्यूशंस एक एक करके अपलोड करेंगे। तो उसी सीरीज में ये सेकंड वीडियो है। सो आइए डायरेक्टली क्या करते हैं कि हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और चेक करते हैं कि हमने कौन से क्वेश्चंस को हमें करना है। इसमें आप आ गया कि प्रॉब्लम बेस ऑन मैथमेटिकल इंडक्शन, एक्चुअली नो इट इज़ नॉट, दीज प्रॉब्लम्स आर नॉट बेस ऑन मैथमेटिकल इंडक्शन। वो शायद गलती से टाइप हो गया, आपने ध्यान नहीं दिया उसको। ओके, लेट अस लीव इट, उसको क्यों रिमूव करें हम लोग। सो दीज क्वेश्चंस आर नॉट बेस ऑन मैथमेटिकल इंडक्शन। ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट में मैथमेटिकल इंडक्शन के बेस क्वेश्चंस किए हुए हैं, है ना। अभी जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ये तो थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस है, और इसमें हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, एंड व्हाट क्वेश्चन नंबर 4 सेज, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे कहा कि ए और बी सिमेट्रिक है, तो हम ये नोट कर सकते हैं ना कि ए के ट्रांसपोज के इक्वल होगा, एंड बी जो है वो बी के ट्रांसपोज के इक्वल होगा, राइट। क्योंकि वो सिमेट्रिक है तो ये होना ही होना है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, ठीक है। तो जिसको हमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है उसके ट्रांसपोज से क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं, ये ठीक है। ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज लेते हैं, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, है ना। अगर हम ए बी माइनस बी ए का डायरेक्टली ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा। अब एक चीज़ बताइए, क्योंकि मुझे क्या करना होगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, मुझे कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए जहाँ पर हम इस ए बी माइनस बी ए के ट्रांसपोज को लिख सकें। सो आप याद करिए कि आपने इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को कहाँ पे पढ़ा था, है ना, इस तरह की। तो ट्रांसपोज की जब प्रॉपर्टीज़ को आप प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे और याद करेंगे कि हमने कुछ ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई थी। सो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी को थोड़ा सा रिवाइज कर दें, क्या होगा, इजी हो जाएगा। सो नाउ दीज आर द प्रॉपर्टी, क्या था, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो होता है वो ए होता है, ये ठीक है। एक और प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी है कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। और एक प्रॉपर्टी और है कि ए बी का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। यहाँ ध्यान देना है, यहाँ ऑर्डर चेंज हो गया, बी पहले आ गया। सो कौन सी प्रॉपर्टी हमारे काम की है, ये प्रॉपर्टी हमारे काम की नहीं। तो इस प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, इस प्रॉपर्टी से लिखेंगे कि ए बी का ट्रांसपोज माइनस है भाई, माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ये छोटी छोटी गलतियों को ध्यान देना है, जैसे मैं प्लस लिखने गया, कई बार क्या एग्जाम में होता ना ऐसे प्लस लिख के आगे चले गए क्वेश्चन में, अब बाद में देख रहे हैं कि अरे मेरा तो आंसर ही सही नहीं आ रहा, मैंने कहाँ गलत कर दिया। अब कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, शायद थर्ड वन है ना, जो तीसरे नंबर पे प्रॉपर्टी लिखी है उस प्रॉपर्टी पे आते हैं, माइनस ये क्या हो जाएगा ए टी बी टी,
ओके अब ये अप्लाई करो, यानी बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है और ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है और बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है। एक माइनस कॉमन कर देते हैं तो ए बी माइनस बी ए बन जाएगा। सो व्हाट वी हैव सीन, इसका जो ट्रांसपोज है वो इसके नेगेटिव के इक्वल आ गया, और जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल होता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। सो इट मीन ए बी माइनस बी ए इज सिंपली स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमारा सिंपली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। से सिंपल ना, मीनिंग एज फॉर एज दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज इज कंसर्न, ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है उसके लिए मुझे ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी, देन अगर हम और प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए ए ट्रांसपोज के इक्वल होना चाहिए, और अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होना चाहिए। ये दो और, यानी इस वीडियो में हमने मोस्टली ऐसे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है जहाँ पर इन प्रॉपर्टी की हेल्प से हम आसानी से क्या कर पाएंगे, इनको प्रूव कर पाएंगे। ओके आइए क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं कि व्हाट दे आर सेइंग इन क्वेश्चन नंबर 5। ओके व्हाट क्वेश्चन नंबर 5 सेज, शो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ए सिमेट्रिक है तो ऊपर जो उसने मैट्रिक्स लिखा हुआ सिमेट्रिक होगा, और अगर ए स्क्यू है तो स्क्यू होगा। तो पहले ए को सिमेट्रिक मान लेते हैं, है ना, लेट ए सिमेट्रिक, तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है। और अब हमने बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज ले लिया। ध्यान देना है यहाँ पर कि किन दो को आप एक साथ पहले लेके चलना चाह रहे हैं, है ना, प्रॉपर्टी तो यही अप्लाई करेंगे। तो क्या करते हैं, इसको एक मैट्रिक्स मान लेते हैं और इसको एक मैट्रिक्स मान लेते हैं। क्या आ जाएगा, ये बाद वाले का ट्रांसपोज पहले लिखेंगे और पहले वाले का ट्रांसपोज बाद में लिखेंगे। ये ना है ए और बी में क्या से याद रखना है, बाद वाले का ट्रांसपोज पहले लिखो और पहले वाले का ट्रांसपोज बाद में। तो ये क्या, मैंने क्या किया, इस ए बी को एक मैट्रिक्स मान लिया और इस बी को एक माना है, तो ये पहले है ये बाद में चला जाएगा। अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, यहाँ प्रॉपर्टी क्या कहता है, ये हो जाएगा बी टी और ये हो जाएगा ए टी, राइट, बी टी टी बी। अब अगर ए क्या है, यहाँ आते हैं, अब अगर ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज को हम क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज को हम लोग ए लिखेंगे, राइट। और जैसे हमने ए ट्रांसपोज को ए लिखा तो क्या आ गया, ये मैट्रिक्स तो आ गया, है ना, यानी क्या आया कि ए, अगर ये ए है बी टी टी ए, सो यू आर गेटिंग द सेम थिंग, इट मीन इट्स सिंपली सिमेट्रिक। इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक है। लेकिन अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल हो, जिसको आप स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं, कि अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो उस केस में यहाँ पर ये क्योंकि बाकी तो हम ऐसे ही सॉल्व करते आएंगे ना, यहाँ तक तुम्हारा सॉल्यूशन सेम रहेगा। अभी बस क्या करना है, ओके वेट वेट वेट, इसको माइनस ए लिख दें और इसको बी लिख देते हैं। माइनस बाहर आ जाएगा तो आ जाएगा माइनस, हेयर यू हैव बी ट्रांसपोज देन वी हैव ए एंड बी। सो क्योंकि बाहर माइनस आ गया ना, ये कंडीशन आ गई हमारे पास। सो इट मीन जो गिवन मैट्रिक्स है वो क्या हो गया, इट इज सिंपली स्क्यू सिमेट्रिक। आई होप क्लियर हुआ होगा क्या कर रहे हैं हम लोग, है ना। सी बेसिकली जो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है और सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी है, उनको यूज़ करके हम आसानी से इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ओके और देखें क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 20, लेकिन ये शायद एक्सरसाइज में ऑप्शनल, ये मतलब एमसीक्यू थे, और हेयर आई हैव नॉट रिटन द आंसर्स ना, सो मैंने तो अपने पास बुक रखी हुई है तो मैं बुक में से देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 तो नहीं है कोई क्वेश्चन, सो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर में कोई मिस्टेक हो गया है, लेट मी चेक इट। क्वेश्चन नंबर 14 सही है क्योंकि ओनली 15 क्वेश्चंस आर देयर इन दिस एक्सरसाइज। सो ये जो क्वेश्चन लिखा है कि ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है बुक का। ओके फोर क्या, इफ इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, अगर ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है, सो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, तो क्या वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, क्या वो जीरो मैट्रिक्स होगा, क्या वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्या वो
नन ऑफ दीज होगा. सी अगेन, अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये तो क्लियर है कि स्क्यू सिमेट्रिक के डायगनल्स में जीरो होते हैं, राइट. और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, जो नंबर यहाँ लिखा होता है उसका नेगेटिव यहाँ होता है, जो नंबर यहाँ लिखा होता है उसका नेगेटिव यहाँ होता है, जो नंबर यहाँ लिखा होगा उसका नेगेटिव यहाँ होगा, या वाइस वर्सा, यानी ये आपस में इंटरचेंज. लेकिन ये सिमेट्रिक भी है, तो सिमेट्रिक के लिए अगर यहाँ ए है तो यहाँ प्लस ए. अब ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, इसका मतलब यहाँ पर हम ए लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम कह रहे हैं ए हो, ए होना चाहिए क्योंकि सिमेट्रिक है, और ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो हम कह रहे हैं नहीं माइनस ए भी होना चाहिए. ऐसा सिर्फ एक ही केस में हो सकता है ना. ये कब हो सकता है कि जब सारे एलिमेंट जीरो हों, और सिर्फ जीरो मैट्रिक्स जो है ना, ऐसे याद रख सकते थे कि जो जीरो मैट्रिक्स है वो इकलौता ऐसा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी होता है और वो स्क्यू सिमेट्रिक भी होता है. आइए क्वेश्चन 20 पे आता है. सिंपल क्वेश्चन था ना, नहीं ओके क्वेश्चन मैंने भी 20 लिख दिया, 15 है ये, सॉरी 15 क्वेश्चन. इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर ए के इक्वल है, और हमें क्या करने के लिए कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आई आइडेंटिटी है ये, ए का होल पावर 3 माइनस 7 ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है. यहाँ क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, ओके, प्लस बी क्यूब, चलो ये भी ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी, ओके, प्लस 3 ए बी स्क्वायर. आई जहाँ रो, आई का कहाँ जहाँ रोल नहीं है उसको हटा दें क्या, सो ये आई है गया, ओके, ए क्यूब को रहने देते हैं, ओके, प्लस का 3 आई स्क्वायर की जरूरत नहीं है, और प्लस 3 ए स्क्वायर, सो हेयर वी हैव. अब हम यहाँ तक पहुँच गए, ऑप्शंस में है ए होगा आई माइनस ए होगा, आई होगा 3 ए होगा. अभी जरा यहाँ आ जाओ ना, व्हाट इज गिवन दैट, ये माइनस का 7 आई छूट गया है बेचारा, तो इसको लिख देना चाहिए. नहीं, हमने तो बस फोकस कर दिया कि भाई यहाँ क्यूब लगाना है, जहाँ फॉर्मूला लगाना है उसको फोकस किया हमने, और जो जिसके साथ कुछ होना नहीं था वो क्वेश्चन को वैसे ही लेके चलेगा, उसको भूल गए हम लोग लिखना. चलिए कोई बात नहीं, होता है सर है कई बार. ओके, ए क्यूब, ए क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब को लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर तो ए है, सो ए इंटू ए, और ए इंटू ए क्या हुआ, ए इंटू ए तो ए स्क्वायर होता है, और ए स्क्वायर क्या होता है, ए होता है. ओहो, इसका मतलब ए क्यूब ए स्क्वायर ए सब भाई इक्वल है, और सब ए के इक्वल है. तो बस यहाँ पर अब ये हमारा काम आसान हो गया. हमने क्या किया, इस ए क्यूब को ए पुट कर दिया, अभी हमने प्रूफ किया ये 3a है, चलो बढ़िया है, प्लस का ये भी 3a है, ये भी अच्छा है, और ये माइनस का 7a है. अब देखिए 3a 6a 17a 7a 7a कैंसिल हो गया, और हमारा आंसर आ गया सिंपली आइडेंटिटी. सो आपके बुक में ऑप्शन नंबर सी सही है ना, बुक का ऑप्शन नंबर सी सही है. ये क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 14 बुक में जब आप मिसलेनियस सेक्शन में जाएंगे ना, तो क्वेश्चन नंबर आपका 13, 14, 15 दीज थ्री क्वेश्चन आर एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है. अगेन मैट्रिक्स कैलकुलेशन को कर रहे थे यहाँ पर. सो वैसे भी ना हमने कोशिश किया कि इसमें छोटा सा वीडियो है, सिर्फ 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं. मेन पर्पज़ क्या था कि जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं उनको अलग सेक्शन में रखा जाए. तो पहले सेक्शन में हमने मैथमेटिकल इंडक्शन को रख लिया, दूसरे सेक्शन में जहाँ स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक टाइप के क्वेश्चन हैं उसको रख लिया, जो तीसरा सेक्शन है वो सिंपल सेक्शन है, और उसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है. यानी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन अगर आपको आती है तो आप थर्ड सेक्शन के क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे. ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माई चैनल, चैनल देखते रहिए, ताकि आपको जब भी कोई नया वीडियो आएगा जो आपसे रिलेटेड होगा आपको पता लग जाएगा. और आप क्या कर सकते हैं कि मेरे चैनल पे के प्रीवियस वीडियोस में आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर्च भी कर सकते हैं. हम लोगों ने एनसीईआरटी एग्जाम्पल, आरडी शर्मा, इन बुक्स को फोकस करते हुए, और सीबीएसई, स्टेट बोर्ड और जेई मेन्स को फोकस करते हुए बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं. तो उन वीडियो से आप चाहें तो अपनी प्रिपरेशन मेरे साथ मिलके कर सकते हैं. सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग.